कि हम मुस्कुरा भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे प्रोग्राम के बारे में? आज आदरणीय करोड़ों युवाओं की धड़कन भाई मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी हसनपुर गाँव में पहुँच गए, और मैं ये कहता हूँ आज हसनपुर में जो भीड़ आएगी वो ये बताने का काम करेगी कि बाद विधानसभा क्षेत्र जिसको भी आज दुष्यंत चौटाला जी यहाँ भेजेंगे इस जनता का नुमाइंदा बना करके उसको जिताने का काम भी करेगी, और लोकसभा कैंडिडेट जो हरियाणा प्रदेश जो तक लोकसभा से होगा कैंडिडेट में हमारा जीतकर लोकसभा में जाने का काम करेगा। देखिए जी, वैसे राजनीति का आदमी आखिर तक अपने कभी पत्ते नहीं खोलते, लेकिन आपकी मुस्कुराहट काफ़ी कुछ जाहिर कर रही है। क्या हम ये मान के चलें बादली से अपनी बार जीते हुए संजय कुमार जी खुलासा करना चाहेंगे इस बारे में? जो पार्टी जिम्मेवारी थी कार्यकर्ता जो सम्मेलन है उससे क्या बादली के समीकरण बदलेंगे इस तरह का आज के कार्यकर्ता सम्मेलन? बादली के समीकरण तो बदले हुए हैं। जिस तरीके से हरियाणा के कृषि मंत्री झूठ बोल करके कपड़े उतार करके साइकिल पर घूम करके किसान कमेरे मजदूर युवा की बात करके इन लोगों की वोट हत्याने का काम किया, और जिस तरीके से इन लोगों ने जोश और खरोश के साथ विधानसभा में भेजने का काम किया, मैं कहता हूँ इसको वापस दादरी भेजने का काम बादली विधानसभा क्षेत्रीय जनता की बारी करेंगे। क्या मुख्य लड़ाई भाजपा से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ से होगी? लड़ाई ओम प्रकाश धनखड़ से होगी, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं, कांग्रेस का कोई स्थिति नहीं, लड़ाई ओम प्रकाश धनखड़ से। जय संजय कबलाना, अगर बात की जाए अब तो चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, क्या मुख्य कमी आपने हल्के में देखी और ऐसी कौन सी बात देखी लोग आपसे जुड़े, क्योंकि जब भी ओपी पर प्रोग्राम होता है भारी संख्या में जब क्या चीजें आपने देखी भारी समस्या है आज क्षेत्र में? चाहे ओलावृष्टि को लेकर के ले लो, चाहे किसान की बात कर लो, चाहे युवा की बात कर लो, चाहे आज महिला की बात कर लो, आज कमेरे मजदूर की बात कर लो, आज बाल विधानसभा क्षेत्र का हर वर्ग परेशान है, इस सरकार से पूरी तरह तराई तराई है भाई संजय कब